गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। हाउ डू यू डू? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी है आपकी क्लासेस चल रही है? सब ठीक चल रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक है हेलेन केलर, लेसन टेकन फ्रॉम योर बुक, वेरी गुड। और उसी चैप्टर से हमने मैच द कॉलम्स, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। जब आप उसको मैच कर लेंगे तो उसके बाद आप उन कॉलम्स के हर लाइन को अलग से लिखेंगे और उन लाइंस को जोड़ने के लिए कनेक्टर का यूज करेंगे। बट इससे पहले भी हमने एक वीडियो एंड और बट की हमने देखी है, तो उस कनेक्टर को हम यूज करेंगे दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे और उसके बाद उन दोनों लाइंस को हम सेम लाइन में लिखेंगे और बट से कनेक्ट करेंगे। हमने बट और एंड पहले भी पढ़ा है, उसकी वीडियोस देखी हैं। व्हाट इज बट? बट का मतलब है परंतु। बट का ही यूज होता है। वी यूज बट टू ज्वाइन सेंटेंसेस व्हेन वन सेंटेंस से समथिंग एंड अदर जस्ट अपोजिट। हम बट का यूज वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जब एक वाक्य कुछ और कहता है, उसका अर्थ कुछ और होता है, और दूसरा वाक्य जो बट से जोड़ा जाता है वो उसके बिल्कुल विपरीत होता है या ऑपोजिट होता है। तो शुरू करते हैं। अब हम कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट, हेलेन लीव्ड आफ्टर हर इलनेस। शी कुड नॉट हियर और सी। अभी हम इसमें बट यूज नहीं करेंगे, सिंपल मैच करेंगे। जब हम इनको रिलाइट करेंगे तो फिर बट के साथ करेंगे। हम इसको मैच करेंगे वन सी से मैच हुआ है, वन को हमने सी से मैच किया है। सेकेंड वन, शी कुड नॉट सी और हियर। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। इज इट क्लियर? थर्ड वन, पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग। हर मदर थॉट शी कुड लर्न। हमारे को थर्ड को हम ए से मैच कर रहे हैं, थर्ड को हमने ए से मैच किया है। फोर्थ वन, हेलेन कॉपीड द वर्ड्स शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। फोर्थ को बी से मैच किया है, फोर्थ को बी से मैच किया है। फिफ्थ वन, मिस सुलिवान वाज स्ट्रिक्ट। मिस सुलिवान वाज स्ट्रिक्ट। शी वाज काइंड टू हेलेन। फिफ्थ को हमने डी से मैच किया है, फिफ्थ को हमने डी से मैच किया है। अंडरस्टैंड? समझ आया ना? फर्स्ट को हमने सी से मैच किया, सेकंड को हमने ई से मैच किया, थर्ड को हमने ए से मैच किया, फोर्थ को हमने बी से मैच किया और फिफ्थ को हमने डी से मैच किया। अब आपको समझ आ गया। अब हमको हम इनको रिलाइट करेंगे सेंटेंसेस को और इनके साथ बट यूज करेंगे इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। कॉलम्स को हमने मैच कर लिया है, अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को जिनको हमने मैच किया उनके बीच में कनेक्टर यूज करेंगे, बट। बट का यूज करेंगे और सेंटेंसेस को लिखेंगे। फर्स्ट वन हमने मैच किया था, हेलेन लीव आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी। पहला सेंटेंस का भाव कुछ और है और जो बट के बाद का सेंटेंस है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। हेलेन अपनी बीमारी के बाद बच तो गई बट
शी कुड नॉट हियर और सी, परंतु अब वह देख और सुन नहीं सकती थी। ये दोनों विपरीत है बट के बाद। सेकेंड वन, शी कुड नॉट सी और हियर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वह देख और सुन नहीं सकती थी परंतु वह बहुत इंटेलिजेंट थी, अक्लमंद थी, बुद्धिमान थी। बट के बाद ये सेंटेंस इस सेंटेंस के मुकाबले ऑपोजिट अर्थ रखता है, ऑपोजिट मीनिंग है। थर्ड वन, पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न। लोग सोचते थे कि वो कुछ याद नहीं कर सकती परंतु, बट हर मदर थॉट शी कैन लर्न, परंतु उसकी माता सोचती थी, उसकी माता जी सोचती थी कि वो कुछ याद कर सकती है। ये इसके बिल्कुल बट के बाद का ऑपोजिट है। सेकंड, फोर्थ वन, हेलेन कॉपीड द वर्ड्स बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। हेलेन शब्दों को कॉपी कर सकती थी या शब्दों की नकल कर सकती थी परंतु उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या कर रही है। ठीक है, कॉपी तो कर लेती थी लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा शब्द लिख रही है, उसका मतलब क्या है और वो क्या कर रही है। फिफ्थ वन, मिस सुलिवान वाज स्ट्रिक्ट बट शी वाज काइंड टू हेलेन। मिस सुलिवान बहुत अनुशासन प्रिय थी, सख्त थी, बट शी वाज काइंड टू हेलेन, परंतु हेलेन के लिए उनके मन में दया का भाव था। यहां वो स्ट्रिक्ट है लेकिन यहां वो बिल्कुल नरम है हेलेन के लिए। यानी इस सेंटेंस को के साथ जब बट यूज किया तो उसके बाद जो सेंटेंस आया इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी जिसमें भी हम बट का यूज करते हैं सेकंड सेंटेंस बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस के बिल्कुल अपोजिट होता है, विपरीत होता है उसका मतलब, उसका भाव। इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए बहुत से सेंटेंस लिए जा सकते हैं, उनको तोड़ा जा सकता है। एंड और बट के आपके वीडियोज आपने देखे हैं, उन्हीं के आधार पर और भी प्रैक्टिस की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।